as human beings. हम अपने thoughts को लिख सकते हैं, record कर सकते हैं. किसी ने मुझे कहा था कि कुत्तों को training जब दी जाती है, एक Pavlovian theory है कुत्तों को train करने की, कि उनकी बड़ी short term memory होती है. अगर वो कहीं गुम हो जाए, कहीं चला जाए और वापस आए और आप उसको डांटो, तो उसको लगता है कि उसको घर वापस आने के लिए डांट पड़ी है, गुम होने के लिए डांट नहीं पड़ी है. लेकिन अगर आपका बेटा कहीं चला जाए और घर वापस आए और आप उसको डांटिएगा, तो वो ठीक समझेगा कि उसे किस लिए डांट पड़ रही है. तो ये हमारी इंट्रिंसिक एबिलिटी है. हम थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स हम रिकॉर्ड करके रखते हैं. घर में जब लड़ाइयाँ होती हैं, कई बार हम हार भी जाते हैं, तो कोई एक चीज़ याद कर लेते हैं मेमोरी में, अगली लड़ाई में काम आती है. ये तभी हो पाता है क्योंकि हमने, हमारे में ये एबिलिटी है कि हम उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं. ठीक है, आज नहीं रिस्पॉन्ड कर पाए, अगली बार वी रिस्पॉन्ड आइदर सूनर और लेटर. ये जो एबिलिटी है हमारी रिकॉर्ड करने की, इसने हमें हमारा कल्चर दिया है, रामायण और महाभारत दिया है. हमारे यहाँ बहुत पुराना एक बढ़ई आया करता था, अनपढ़, अंगूठा छाप, बट उससे पूरी रामायण याद थी, पूरी महाभारत याद थी, पुराण की भी कहानियां जानता था, और उसकी उसकी फेवरेट स्टोरीज हुआ करती थी शिव पार्वती की कहानियां, पर वो पढ़ नहीं सकता था. उसने कहाँ से सीखा? भाषा क्लिष्ट नहीं थी, देहाती भाषा थी, पर कहानियां वही थी. सुन के रिकॉर्ड कर लिया. उस वक्त तो ना लैपटॉप हुआ करते थे, ना मोबाइल फोन हुआ करते थे, और ना ही गूगल था. बस जो सुना वो रिकॉर्ड हो गया दिमाग में. सबसे बड़ा मशीन ये दिमाग है, और उसने उसका इस्तेमाल किया. वो एबिलिटी है हम इंसानों में, और वही हमें सबसे ज़्यादा ताकत देती है, हमें आगे प्रोग्रेस करने की ताकत देती है, इम्प्रूव करने की ताकत देती है, बेटर होने की ताकत देती है. कम्युनिकेशन हमें एक और चीज़ में मदद करता है, टू डील विद पीपल. इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है लोगों के साथ डील करना, बहुत ज़रूरी है, isn't it? और आप अगर अपने इंडस्ट्री से बाहर निकलते हैं, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, तो भी आप यही देख रहे हैं कि दिन भर आप करते क्या हैं? आप लोगों के साथ डील करते हैं, चाहे वो आपके कॉलीग्स हों, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों. और अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, तो लोग आपकी बात मानते हैं, समझते हैं पहले, फिर मानते हैं, आपको फॉलो करते हैं. एंड दैट डिफाइंस योर सक्सेस एज अ पर्सन. अगर लोग आपको समझ ही नहीं पाए, तो क्या आपकी बात मानेंगे और क्या आपको फॉलो करेंगे? सबसे ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में समझना, कि हम कैसे अपनी बात को उस तरह से सामने रखें या बात करें टू गेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. यस मैम. सो लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन. अंग्रेजी का शब्द है, और जैसे अंग्रेजी के दूसरे शब्द और भाषाओं से आए हैं, इसका भी रूट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है, और वो रूट शब्द है कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं है, ये एकदम अलग है. कम्युनिस्ट पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है. हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मतलब को लिया है, पर अब शायद भूल गए हैं. कम्युनिस्ट शब्द का मतलब है टू एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ कॉमननेस, मतलब
सीधी सी बात, जो मेरा आइडिया है वो ही उसी भाव में आपका भी आइडिया हो जाए, यानी कि मेरा आइडिया, मेरा विचार और आपका विचार साझा हो गया, कॉमन हो गया। हम अपनी बात को इस तरह से आपके सामने रखेंगे कि वो मेरी बात ना रह के हम सबकी बात हो जाएगी, एक कॉमननेस। तो जब मेरी बात आपकी भी बात है तो उसमें लड़ाई झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, सही? तो जहां हमने लड़ाई खत्म कर दी वहां से क्या शुरू होगा? डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, काम बढ़ेगा, बेटर होगा। एक चल फटाक से डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन में एक छोटी सी बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है इंटरचेंज ऑफ मीनिंग, आदान प्रदान। किसने कहा था आदान प्रदान? आपने कहा था जी, इंटरचेंज, आदान प्रदान किसका? मीनिंग का, मतलब जो भी हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और स्पेशली इंडिया, हमारा देश इतना वेरिड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्स है, इतनी तरह की भाषाएं हैं। बिहार में ही इतने तरह के डायलेक्ट्स हैं, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई मैथिली बोलता है। हम लोग सुन के सब समझ तो लेते हैं, डायलेक्ट शायद एक ही बोल पाए, समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वेरिएशंस हैं शब्दों में, चुनाव में, पैरा लैंग्वेज में वेरिएशन आते हैं। उससे क्या होता है, मतलब जो बात बोली जा रही है उसके मायने कहीं कहीं बदल जाते हैं, मतलब बदल जाता है। तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि हम मीनिंग पे, अपने बात के, अपने बोल के मतलब पे ध्यान दें, मीनिंग पे ध्यान दें कि हमारी शब्दों का क्या अर्थ निकाला जा रहा है, जा सकता है, कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। हमारा मुद्दा है अर्थ अभिव्यक्त करना, अनर्थ नहीं। सो कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कहता है कि ये है दो लोगों में मतलब का आदान प्रदान, मीनिंग का आदान प्रदान। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं,